हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग को बताऊंगी फेशियल के मसाज स्टेप, पूरे स्टेप बाय स्टेप, पूरी बारीकी से कैसे क्या करना, ए टू जेड चीज़ें क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ गाइस, आप लोग वीडियोज तो देखते हो मेरे, बट जितने भी लोग सब्सक्राइबर उसमें से 23% ही लोग देखते हैं, बाकी के लोग वीडियोज तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी कई लोग तो 3-3 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। मैं 4 साल से कंटिन्यू वीडियोज़ बना रही हूँ एंड आप लोग के लिए अच्छी अच्छी टॉपिक्स लेकर आती हूँ, बट पता नहीं क्या कमी रह जा रही है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको इस चैनल पे डे बाय डे मिलते रहेंगी, मेरी ब्लॉग वीडियो मिलते रहेंगी। सेकंड चैनल पे मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज डालते रहती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, जो भी मेरी वीडियोज देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेशियल मसाज एंड प्रेशर पॉइंट कैसे देना चाहिए, पूरा ए टू जेड चीज़ें बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फेशियल मसाज से पहले आपको क्लींजिंग स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फेशियल मसाज के बारे में, स्टेप के बारे में समझाने वाली हूँ। तो आप अगर कस्टमर पे कर रहे हो, क्लाइंट पे कर रहे हो, तो पहले आप क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करो एंड स्क्रब करो। क्लींजिंग मिल्क कैसे अप्लाई करना है, स्क्रब कैसे अप्लाई करना है, सबकी वीडियो है चैनल पर पूरी बारीकी के साथ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो नए भी सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आ जाऊंगी। अगर आपको अभी चाहिए तो जाके चेकआउट कर लीजिए या आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज का जो टॉपिक है फेशियल मसाज कैसे करना चाहिए, सब कुछ बताने वाली हूँ। ओके, तो फेशियल मसाज के लिए मैं ये वाला क्रीम ले रही हूँ, अरोमा का आलमंड हैंड हनी मसाज क्रीम है ये। काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं अपने पार्लर में यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको यूज करने के बाद एक अच्छा सा ग्लो आपके चेहरे पर देखने को मिलेगा। और अगर आप रेगुलर तौर पे फेशियल नहीं कराते हो, सिर्फ मसाज कराते हो, तो उससे क्या बेनिफिट है, आपके स्किन का जो एजिंग है वो कंट्रोल होगा, रिंकल्स कंट्रोल होती हैं। तो जिनको जिनकी स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा, उनको आप एडवाइस करोगे कि वो मसाज करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे पे, तो उनका स्किन ग्लो करेगा, डार्क स्पॉट्स रिमूव होंगे, डलनेस जाएगा एंड जो आपका रिंकल्स, फाइन लाइन्स, एजिंग है, सब कुछ धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगा। बस तरीका प्रॉपर पता होना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे मूवमेंट आपके हाथों का होना चाहिए कि आपकी स्किन पे परफेक्ट। आप गलत मूवमेंट करोगे तो आपकी स्किन पे जो रिंकल्स है, एजिंग है, वो घटने के बजाय बढ़ सकता है। तो पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ए टू जेड चीज़ें समझने के लिए। तो फेशियल मसाज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेस पे गुलाब जल इस तरीके से लगा लेना है। क्लाइंट पे कर रहे हो, कस्टमर पे कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको पहले कस्टमर का हेयर और कपड़े टॉवल से टॉवल लगा देना है, जिससे हेयर और कपड़ों पे क्रीम ना जाए। ओके, तो मैं तो अभी नहाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, तो लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो मैंने अच्छे से गुलाब जल लगा लिया है, इतना क्वान्टिटी में क्रीम लिया हुआ है। अब इसको पूरे फेस पर अच्छे से फैला लेंगे, जैसे मानो कि आप पैक लगा रहे हो। ओके, आईज के ऊपर, आईज के नीचे, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है। ओके, इस तरीके से लगा लेंगे। अगेन गुलाब जल स्प्रे करेंगे। ओके, अब आप मेरे हाथों का मूवमेंट देखिए, कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ हथेलियों से। स्क्रब जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ फिंगर टिप से अप्लाई करना होता है, क्योंकि स्क्रब में दाने होते हैं और वो आपके स्किन को रब करते करते रेडनेस या फिर छिल सकता है, इसलिए आपको स्क्रब सिर्फ उंगलियों से अप्लाई करना है। लेकिन जब आप फेशियल मसाज दे रहे हो तो ये आपको सर्कुलर मूवमेंट में इस तरीके से गालों पर, कस्टमर पर भी इस तरीके से ही करना है। आप ध्यान से देखिए, ऊपर की डायरेक्शन में करना है, ऐसे करोगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से मसाज करना है, बॉडी पे कुछ इस तरीके से करना है, अपर लिप्स पे, नोज पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी जो लाफिंग लाइन होती है वो यहीं पे आती है, तो उसको कम करने के लिए आप इस तरीके से करोगे।
माउथ के अराउंड जितने भी स्टेप दोगे आप ये पॉइंट्स को दबाना है। ये प्रेशर पॉइंट होता है जिससे आपके फेशियल में, मसाज में ग्लो लाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिसको डबल चिन की प्रॉब्लम है, सीजर जैसे हाथों को बना लेना है एंड गालों पे ऐसे, थोड़ी पे अपन इससे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नोज के पास एंड नोज पे ब्रिज पे इस तरीके से करना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से। कस्टमर को भी सेम तरीके से देना है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आईज पे कुछ इस तरीके से। अक्सर आजकल ऐसा काम है कि हमारी आईज इफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आ रही है, झुर्रियाँ पड़ जा रही है। झुर्रियाँ मतलब लाइन्स जो होते हैं, ये यहाँ के स्किन बहुत पतली हो जा रही है, तो आईज पे इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डेली बेस में विटामिन ई की कैप्सूल से इस तरीके से मसाज कर सकते हो। अब यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे दबाएंगे, हेयर लाइंस के पास दबाएंगे, जो हमारी आईब्रोज का ये है, आईज के जस्ट यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दबाएंगे और फेस को इस तरीके से मसाज करते हुए इस तरीके से लेके जाना है। इसी तरीके से आपको कस्टमर पे भी करना है। अगर आपको कस्टमर पे देखना है डेमो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगी। गर्दन पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, गर्दन पे भी ऊपर के डायरेक्शन में देना है मसाज और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से करोगे। अब सेकंड स्टेप की बारी आती है। सारे स्टेप के बाद आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है ताकि जो आपके फिंगर टिप्स हैं वो अच्छे से मूवमेंट कर पाएँ, क्योंकि तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया एंड प्रेशर पॉइंट के साथ। सेकेंड स्टेप में आपको फिंगर्स को, मुट्ठी को बंद कर लेना है, देन इस तरीके से मसाज देना है अच्छे से। आप वीडियो को रिपीट कर करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नोज पे भी कुछ इस तरीके से देना है, अच्छे से दिख रहा होगा, आईज के नीचे यहाँ पे फोरहेड पे। सारे स्टेप आपको 5-5 मिनट देने हैं, पूरा जो प्रोसेस है वो 15 से 20 मिनट का होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे फोरहेड पे लाइंस बनती हैं वो कंट्रोल होंगी। सारे मसाज के पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो फोरहेड पे इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो फोरहेड्स की लाइन होती है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग इसलिए मसाज करते हैं कि हमारी आईज रिलैक्स हो जाती हैं और आईज का जो थकान होता है, स्वेलिंग होती है, वो सारी कंट्रोल हो जाती है। आईज के नीचे कुछ इस तरीके से करेंगे, गालों पे करेंगे। गालों पे करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ग्लो आता है हमारे फेस पे। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के पास दोबारा से सर्कुलर मूवमेंट एक बार कर देंगे। इस तरीके से ऊपर की तरफ करना हल्के आ रहे। यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे दबाना है, डन। गर्दन के नीचे ये हमारा सेकेंड मसाज हो गया। थोड़ा सा पानी लेंगे, आईज पे बहुत ज़्यादा लग रहा है क्रीम मुझे, क्योंकि मुझे साथ साथ में देखना भी है। कस्टमर को होता तो वो अपनी आईज बंद करके रिलैक्स होके मसाज करा सकते हैं, बट मुझे आप लोग को समझाना भी है तो मैं आईज को साफ कर ले रही हूँ। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है,
जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो, पहले आपको पिंचिंग करनी है। पिंचिंग से क्या होगा, आपके ओपन पोर्स खुल जाएंगे। ओके इस तरीके से करना है, पूरा सर्कुलर मूवमेंट कर दो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये मसाज करते टाइम उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके थर्ड स्टेप के बाद कंप्लीट फोर्थ स्टेप करेंगे टाइपिंग वाला। इससे क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स खुले थे उसमें क्रीम अच्छे से जा पाएगी और अपना वर्क अच्छे से करेगी। जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो ना, सेम उसी तरीके से आपके फिंगर पे भी चलाना है, खुद का करने के लिए इस तरीके से करना है। सेम इसी तरीके से आपको क्लाइंट पे भी करना है। हम अपना करें तो इस तरीके से हाथ है, क्लाइंट का करेंगे तो हमारा हाथ इस तरीके से होगा। ओके अगर टाइपिंग नहीं आ रही हो तो आप हल्के हल्के से थपथपा के भी अपनी क्रीम को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करा सकते हो। सारे स्टेप के बाद सर्कुलर मूवमेंट करना है। उस तरीके से आईज पे करना है। ओके अब बारी आती है पांचवें स्टेप की। पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है, स्किन को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाना है। पहले एक फिंगर से, इससे जितनी भी हमारी एजिंग की वजह से यहाँ पे स्किन नीचे को आने लगती है वो ऊपर को जाएगी और आपकी एजिंग कंट्रोल होगी और स्किन में टाइटपन आएगा। पहले एक फिंगर से, फिर दो फिंगर से, फिर तीन फिंगर से, फिर चार फिंगर से। पहले एक फिंगर से, फिर दूसरे फिंगर से, तीसरे फिंगर से एंड चौथे फिंगर से। यहाँ पे भी करना है, जो हमारी रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आईज के आसपास अक्सर हमको रिंकल्स आ जाते हैं, फोरहेड पे होते हैं तो फोरहेड पे भी करना है, गर्दन पे करना है। सेम प्रोसेस में, सेम प्रोसेस मतलब एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, फिर चार फिंगर। तो ये हो गया हमारा पांचवा स्टेप। छठे स्टेप में आपको क्या करना है, छठे स्टेप में हमको पूरे स्किन को ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच के ले जाना है। इससे क्या होगा, अगर कहीं छूटा होगा तो लास्ट स्टेप में हमारा क्लियर हो जाएगा। अब सातवें स्टेप में आपको क्या करना है, प्रेशर पॉइंट को अच्छे से पूरा प्रॉपर वे में देना है। तो उसके लिए ये सिर्फ सातवां स्टेप जो होगा वो सिर्फ प्रेशर पॉइंट के लिए होगा, जो कि आपके स्किन को अच्छे से ग्लोइंग बना सके। सीजर वाला लिप्स के यहाँ पे सोच के पास, ब्रिज ऑफ नोज,
अगर आप खुद का कर रहे हो तो इस तरीके से, और कस्टमर का कर रहे हो इस तरीके से, ओके रगड़ना नहीं है, रगड़ने से क्या होगा कि हमारी लाइन और ज़्यादा दिखने लग जाएगी। आइज के पास लो, आइज के पास नीचे को, ऊपर को, कुछ इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे दबाना है, हेयर लाइन के पास दबाना है, प्रेशर देते हुए यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर गर्दन के पास लेके जाएंगे। इसी प्रोसेस को आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है। ऐसा आप 2 हफ्ते में 2 या 3 बार करोगे तो आपकी एजिंग कंट्रोल होगी, आपका डार्कनेस खत्म होगा और आपका स्किन अच्छे से ग्लो करेगा, जो ड्राइनेस की वजह से छाइयाँ आ जाती हैं, पिगमेंटेशन आ जाते हैं, वो क्लीन हो जाएगा। अब ये आज का जो टॉपिक था फेशियल मसाज के बारे में, मैंने A to Z चीज़ें आपको समझा दी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी टॉपिक पे आपको जानना है तो भी बताइएगा, नेक्स्ट टाइम वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। क्रीम को हटा दिया है, इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है पैक। तो अगर आपको पैक लगाना है तो ड्राई स्किन वालों के लिए पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर स्किन पे लगा लोगे, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से पोंछना है। मैं रगड़ दी क्योंकि मेरे आँख में क्रीम चली गई है, तो उसको मैंने इस तरीके से रगड़ के निकाल लिया। बट आप फेशियल करने के तुरंत बाद कहीं भी रगड़ोगे तो झुर्रियाँ आ सकती हैं, तो रगड़िएगा मत, बस टैप टैप करके छोड़ दीजिएगा। ड्राई स्किन पे अगर आपको पैक लगाना है, पैक तो लगाना ही है लेकिन ड्राई स्किन पे लगाना है, तो उससे पहले कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर या मसाज क्रीम पूरे फेस पे एक लेयर बना दीजिए, उसके बाद क्रीम लगाइए। तो पैक क्या होता है, हमारी स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको खींच के बाहर निकालता है, तो लेकिन ड्राई स्किन वालों को तो एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप अपने स्किन पे पहले क्रीम या मॉइस्चराइजर या मसाज क्रीम कुछ भी अप्लाई कर दीजिए, उसके ऊपर पैक लगाइए, बहुत कम क्वांटिटी में लगाएगा ताकि जब पैक सूखेगा, ड्राई होगा, तो जो क्रीम होती है वो अच्छे से आपके स्किन के अंदर जाए, एंड स्किन के अंदर जाके वो अपना वर्क करे और आपके स्किन पे ग्लो भी आ जाए, और जो फेस पैक का बेनिफिट होता है वो आपकी स्किन को मिल भी जाए और आपकी स्किन से जो नमी होती है वो ना खींचे। और ऑयली स्किन वाले बस गुलाब जल अप्लाई करके पैक को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को निकालना ज़रूरी होता है। तो आई होप कि सारी चीज़ें यहाँ पे फेशियल से रिलेटेड आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।